मौजूदा वजीर आजम नवाज शरीफ के पहले वजारत उज़्मा के दौर के खात्मे के बाद निगरान वजीर आजम का ओहदा संभालने वाले मोइन कुरैशी 26 जून 1930 को लाहौर में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी से मुआशियात की तालीम हासिल की। बाद अज़ां अमरीकी यूनिवर्सिटी इंडियाना से मुआशियात में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। अपने कैरियर का ज्यादा अरसा आलमी बैंक में गुजारा और 1992 में आलमी बैंक से रिटायरमेंट लेकर अमेरिका में एक मकीम हो गए। उन्होंने 18 जुलाई 1993 को निगरान वजीर आजम का हल्फ उठाया और 19 अक्टूबर 1993 तक ओहदे पर फायज रहे। बतौर निगरान वजीर आजम उन्होंने मुआशी इसलाहात की और ऐसे सियासतदानों के खिलाफ इकदाम उठाए जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया। ऐसे सियासतदानों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त ना दी गई। 1993 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई और मोइन कुरैशी वापस अमरीका चले गए। वो 40 साल से अमरीका में मकीम थे जहाँ तवील अदालत के बाद वो खालिक हकीकी से जा मिले।